हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम 14 नवंबर 2017 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज वीडियो को 2 से 3 बार देख के इसको आज ही याद कर लीजिए। आप चाहें तो सवेरे, दोपहर, शाम जैसे दवाई लेते हैं, उसी तरीके से जो है करंट अफेयर सेशन भी 3 बार देखा कीजिए दिन में, ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स और जीएस के ऑटोमेटिक अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों से भी बोलें कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी डेली करंट अफेयर्स और जीएस के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि ये सेशन जो मैं डेली स्टार्ट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको एक न्यूज़पेपर में नहीं मिल सकते हैं। मैं कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ के ये बनाता हूँ, ताकि कुछ लोगों का भला हो सके। थैंक यू। तो भाई स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा बाल दिवस की। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ ही आज अब्राहम लिंकन का भी जन्मदिन है। अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। बाद में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की स्ट्रगल करके, फिर ये वकालत करने लगे। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। और ये मेरे बचपन से ही बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कर दिखाया कि एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसीलिए मैं बचपन से इनसे प्रेरणा लेता हूँ, मैं भी इन्हीं के कदमों पे चलना चाहता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट है सेबेस्टियन वेट्टल। फरारी के जर्मन फार्मूला वन ड्राइवर सेबेस्टियन वेट्टल ने 2017 ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। तो इस लाइन में सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कि सबसे पहले आपको जानना है कि सेबेस्टियन वेट्टल जो है ये जर्मन के फार्मूला वन ड्राइवर हैं, और दूसरी मुख्य बात है कि इन्होंने 2017 का ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 2017 का ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। सेबेस्टियन वेट्टल ने जीता है, और ये जर्मनी के हैं। द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः वाल्टेरी वुट्टास फिनलैंड और किमी रैकोनेन फिनलैंड। तो ये जो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, दोनों फिनलैंड से हैं, और एक का नाम वाल्टेरी वुट्टास है और दूसरे का है रैकोनेन। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में दो चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, 2 से 3 चीज़ें, कि वहाँ की करेंसी कहाँ क्या है जहाँ से ये खिलाड़ी संबंधित हैं, और उसकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील की राजधानी क्या है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ की करेंसी रियल है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिन है, और यहाँ की करेंसी यूरो है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसके साथ साथ कवर कर देता हूँ, ताकि आपको अलग से एडिशनल कहीं पढ़ना ना पड़े। तो ये पूरा का पूरा पेज जो है आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें सारी की सारी मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट है युवा विकास सूचकांक। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत युवा विकास सूचकांक 2017 जारी कर दिया है। आपसे बस वन लाइनर एग्जाम में पूछेगा कि युवा विकास सूचकांक हाल ही में किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो नाम याद रखिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, और इनसे संबंधित मंत्रालय है यूथ अफेयर्स और खेल राज्य मंत्री हैं। ये भारत सरकार के स्वतंत्र प्रभार में हैं ये। और सबसे मुख्य बात है कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, ये जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। नेक्स्ट है 29वां एपेक सम्मेलन। देखिए, ये सम्मेलन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरे लाइंस को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। 29वां एपिक सम्मेलन वियतनाम के दानांग में संपन्न हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 29वां सम्मेलन हाल ही में जो आयोजित हुआ था, किस देश में हुआ। तो वियतनाम के दानांग में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है थीम इसकी जो थीम है। ठीक है, देखिए सम्मेलन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। अगर देखिए, इस पूरे पेज में मैंने उन सभी लाइनों को कवर किया जो IAS तक के एग्जाम तक काम आएंगे। ठीक है, तो SSC से लेके IAS तक सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। तो पूरी लाइनों को बहुत केयरफुली सुनिए। जो 29वां एपेक सम्मेलन है वियतनाम के दानांग में संपन्न हुआ, और इसकी थीम है क्रिएटिंग न्यू डायनेमिक्स फोस्टेरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि 30वां एपेक सम्मेलन जो है वो मोरेस्बी पपुआ न्यू गुनिया में होगा 2018 में। ये अभी जो हाल ही में एपेक सम्मेलन है, ये 29वां है, ये वियतनाम में हुआ, और 30वां जो है वो पपुआ न्यू गुनिया में होगा, और यहाँ पे एक स्थान है मोरेस्बी, वहीं पे ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों एपेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है,
और एपेक के सदस्य देशों की संख्या 21 है, 21, और उसके वर्तमान चेयरमैन है ट्रान डाई क्वांग। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्पोर्ट ऑनर्स। मिताली राज को मुंबई में हुए भारतीय स्पोर्ट ऑनर्स आयोजन में भारतीय स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिताली राज इस साल बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में भी जो महिला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था उसमें भारतीय महिला टीम जो है उप विजेता रही थी, और उस टीम की कप्तान जो है मिताली राज थी। तो मिताली राज कौन है? भारतीय महिला टीम की कप्तान, और इनको भारतीय स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया इस साल। और सबसे मुख्य बात है कि इस पुरस्कार के साथ इनको बेस्ट वुमन प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दो बार वेस्ट टाइप हो गया है, तो आप एक बार पढ़िएगा। और अगला पॉइंट है पुरुषों में अगर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन, यानी कि आर अश्विन जिनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनको बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड दिया गया इस साल। और एक और मुख्य बात जो निकल के आती है इस अवार्ड से, टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को दिया गया है। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से तीन मुख्य बातें हैं कि इनको टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और इनके टीम की जो कैप्टन है मिताली राज इनको भारतीय स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और बेस्ट वुमेन प्लेयर का भी अवार्ड इनको दिया गया है। और आपसे एग्जाम में इसका आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, तो भारतीय स्पोर्ट ऑनर्स का आयोजन जो है वो मुंबई में हुआ है। इतनी चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है कीर्ति निधि विष्ट। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कीर्ति निधि विष्ट का निधन हो गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में कीर्ति निधि विष्ट का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित हैं, और ये नेपाल के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब इनके देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल की मुद्रा रुपया है, और वर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल के शेरबहादुर देउवा हैं, और वर्तमान राष्ट्रपति और साथ साथ ही नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी जो है विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, सड़क सुरक्षा पर परिवहन मंत्री फोरम। जेपी नड्डा ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर परिवहन मंत्री फोरम का उद्घाटन किया। देखिए ये सड़क और परिवहन मंत्रालय जो है वो किसी और के पास है, लेकिन इससे संबंधित जो देखिए जेपी नड्डा जो हैं, सबसे पहले तो आप जानिए कि भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उद्घाटन करेंगे। तो दूसरे लाइन में सीधे सीधे लिखा है ये चीज़, इस फोरम के तहत 35 नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे जिनकी लागत 554 करोड़ होगी। ठीक है, तो इनके मंत्रालय से संबंधित चीज़ यहाँ आपको दिख गई कि 35 नए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ पे? सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री फोरम जो उद्घाटन किया उसके तहत। और एक चीज़ और जान लीजिए आप कि जेपी नड्डा जो है ये इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से ये राज्यसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी रेसिलियंट राइस फील्ड लेबोरेटरी। देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके नाम पे कहीं राइस फील्ड लेबोरेटरी बना है, तो एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस जो है 110% हो जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ये लेबोरेटरी बनी है। आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांस वानो में श्री नरेंद्र मोदी रेसिलियंट राइस फील्ड लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि जो श्री नरेंद्र मोदी रेसिलियंट राइस फील्ड लेबोरेटरी है ये लांस वानो में स्थापित की गई है, और इसका उद्घाटन किया है भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और मुख्य बातें क्या हैं अब देखते हैं। अभी जो आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा है वो 31वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है, जो पैसे फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है। देखिए साथ साथ हम और भी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आसियान को भी लेके चल रहे हैं और रेसिलियंट राइस फील्ड लेबोरेटरी को भी, क्योंकि ये दोनों साथ ही साथ हो रहा है, इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्ट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। 31वां आसियान सम्मेलन है ये, और इसमें जो है ये जो आयोजन है ये पैसे फिलीपींस में किया जा रहा है। और अगला पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा यानी कि 32वां शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ आयोजित होगा? तो 32वां नेक्स्ट जो है वो सिंगापुर में आयोजित होगा। 31वां फिलीपींस हो रहा है, 32वां सिंगापुर में आयोजित होगा। अब थोड़ा सा आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है,
और आसियान के सदस्य देशों की संख्या टोटल 10 है, यानी कि 10 है। और वर्तमान चेयरमैन जो हैं आसियान के, रोड्रिगो दुतर्ते हैं। अब देखिए, रोड्रिगो दुतर्ते बहुत ही मुख्य नाम हो जाता है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों से संबंधित है। जो अभी आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है वो फिलीपींस में हो रहा है, और रोड्रिगो दुतर्ते जो हैं ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, और साथ साथ ये आसियान के चेयरमैन भी हैं, तो इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉक्सविले चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। लिएंडर पेस और पूरव राजा ने नॉक्सविले चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है, और इसका आयोजन यूएसए में हुआ है। तो आयोजन स्थल नहीं पूछा जाएगा आपसे, वन लाइनर पूछा जाएगा कि हाल ही में नॉक्सविले चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के विजेता, पुरुष डबल्स के विजेता कौन है। तो पुरुष डबल्स के विजेता लिएंडर पेस और पूरव राजा हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर सेशन यही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।